Hello students, in today's class we are going to learn 5th standard maths lesson number 5, that is fraction. So in this video we are going to see question answer of this chapter. I will explain also already aapke iske pehle ke jo chapters already uploaded hain, even aapke har ek subject ki videos uploaded hain, you can check playlist. Now let's start. Aapke har ek subject ki playlist bane hue hain, aap check kar sakte ho. Fraction kya hai yahan pe dekh sakte ho, figure yahan pe diya hua hai, one shaded part hai aur ek hai, isme se इसी एक में से दो को डिवाइड किया गया है, तो क्या लिखा है, वन अपॉन टू. ओके, अब यहाँ पे फिगर शेडेड पोर्शन अभी देखे हम, अगर तो ये दो थे लेकिन अभी ये दो से क्या हो गए, चार हो गए, टू अपॉन फोर. ओके, क्या हो गया ये, टू अपॉन फोर. वही सेम चीज़ देखते हैं, तो अभी ये कितना हो गया, ये थ्री अपॉन सिक्स. इसी तरीके से यहाँ पे अगर हम पूरा शेडेड पोर्शन देखें तो थ्री अपॉन, ये टोटल कितना है, सिक्स. यहाँ पे अगर शेडेड पोर्शन देखें तो वन टू थ्री फोर, फोर अपॉन, लेकिन ये कितने हैं टोटल लेके, फोर अपॉन एट. और ये सब किससे अगर हम देखें, कैंसिल किससे हो रहा है, सो टू वन ज़ा टू, टू टू ज़ा फोर. एक ही मल्टीप्लाई, मतलब एक ही टेबल में दोनों होना चाहिए कैंसिल. सो टू वन ज़ा टू, वन से ये कट रहा है और टू टू ज़ा फोर से ये कट रहा है. यहाँ पर देखें तो थ्री वन ज़ा थ्री से ही कट रहा है ये भी, और थ्री टू ज़ा से सिक्स ये भी, यानी वन अपॉइंट टू तीनों का ही आ रहा है. मतलब ये जो वन अपॉइंट टू है ये इनका भी आ रहा है. तो फोर वन ज़ा फोर, फोर टू ज़ा एट, इसलिए वन अपॉइंट टू ये भी हो गया. यहाँ पे एक्सप्लेनेशन गिवन है, आप चेक कर सकते हैं. तो यहाँ पर हमने क्या देखा, मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर यानी न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर होता है नीचे का और ऊपर का होता है न्यूमरेटर. तो डिनोमिनेटर ऑफ वन अपॉन टू बाई टू, वी गेट वन अपॉन टू इंटू टू. देखिए यहाँ पे अगर हम इसे देखें, सो यहाँ पे वन टू ज़ा, यहाँ पे वो हमने देखा, अगर हम इसे टू से मल्टीप्लाई करते हैं, वन टू ज़ा, तो यहाँ ऊपर अगर टू से कर रहे हैं तो नीचे भी उतना ही करना पड़ेगा. तो वन टू ज़ा टू, टू, और यहाँ पर फिर टू का भी टू से ही, टू टू ज़ा फोर. वन अपॉन टू एंड टू अपॉन फोर आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, यानी कि ये वन अपॉन टू और टू अपॉन फोर दोनों ही क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है, यानी वन अपॉन टू और टू अपॉन फोर दोनों की वैल्यू सेम है. आगे देखते हैं, अभी यहाँ पे देख सकते हैं प्रॉब्लम सेट आपका 17 चैप्टर, ये टेक्स्ट बुक पेज नंबर 23 है. हो सकता है कि पेज नंबर थोड़ा सा इधर उधर हो, बट यहाँ से आप प्रॉब्लम सेट देखिए और क्वेश्चन को मैच कीजिए तो मिल जाएगा आपको आंसर. क्वेश्चन मैच करेंगे, ये क्वेश्चन मैच करेंगे फिर ये वाला, तो आंसर्स आपको मिल जाएंगे. यहाँ पे बोला है प्रॉपर नंबर, ठीक है. अब जैसे यहाँ पे देखिए दिया गया है, यहाँ पे टू टेन ज़ा ट्वेंटी आया है, तो अगर नीचे हमने टेन से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी टेन से ही जाएगा, तो यहाँ पर टेन आएगा. अब यहाँ पे देखिए थ्री फाइव ज़ा फिफ्टीन आया है, तो यानी कि यहाँ पे भी हमें फाइव ही लाना पड़ेगा, फोर इंटू फाइव. ओके, अभी यहाँ पे नाइन टू ज़ा एट्टीन आया है, तो हमें यहाँ पे भी इलेवन, जब यहाँ ऊपर में टू ज़ा से आया नाइन टू ज़ा एट्टीन, तो यहाँ पे भी टू रखना ही है हमें, यानी कि हमें यहाँ पे मतलब इलेवन टू ज़ा ट्वेंटी टू, यहाँ दोनों मल्टीप्लाई टू से ही हुआ है. उसके बाद यहाँ पर देखिए फोर्टी, यहाँ पर एट है. ओके, तो एट कैसे आया, यानी कि ये डिवाइड किया गया है, तो एट के टेबल में कब आता है, ये फाइव टाइम में, तो एट फाइव ज़ा फोर्टी. उस फिर यहाँ पे भी क्या आएगा, यहाँ पे भी यहाँ पे आएगा टू. ओके, क्योंकि अगर हम यहाँ पे, जब हमने यहाँ पे फाइव से किया ना डिवाइड, तो हमें यहाँ पे इसको भी हम अगर डिवाइड करेंगे फाइव से, तो फाइव टू ज़ा टेन आएगा, तो यहाँ पर आंसर आएगा टू. अच्छा, ये कैसे किए गए हैं वो यहाँ पे गिव एक्सप्लेन किया गया है. वन अपॉन टू को क्या किया, वन इंटू टेन, टू इंटू टेन दिखाया गया यहाँ पे सम कर, सॉल्व करके इसे भी सॉल्व करके दिखाया गया है, तो देख सकते हैं इसका पूरा आंसर. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है कि सबका डिनोमिनेटर 18 बोला है करने के लिए, अब वो कैसे किया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं वन अपॉन टू है, तो कैसे, अगर हम नीचे वाला पहले चेक करना है हमें कि टू के टेबल में कब 18 आता है, तो टू नाइन ज़ा, तो जब यहाँ पे नाइन से किया तो ऊपर भी नाइन करना पड़ेगा, तो वन नाइन ज़ा नाइन, टू नाइन ज़ा 18. ओके, ऐसे इस तरीके से करना है, और ये पूरा सम सॉल्व करके दिया हुआ है.
अब यहाँ पे बोला गया कि आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है, डिनोमिनेटर सबको फाइव करना है। अब सबको फाइव करना पड़ेगा तब तो हर टेबल में तो फाइव आएगा नहीं, तो इसके लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करना पड़ेगा तो यहाँ पे देखिए 3 5 15 आ गया। जब यहाँ पे 3 से मैं डिवाइड किया तो यहाँ से भी 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 3 2 6 होता है, वो डिवाइड कर करके आप देख सकते हैं। और इसी तरीके से सब बनाया गया है। अब यहाँ पे देखिए सबको कैसे बनाया गया है, 2 9 18 और जब 9 से किया यहाँ पे तो इधर से भी 3 9 27 दोनों जगह पे 9 9। अब यहाँ पे क्या किया है देखिए, सब लिखा गया है दो बार न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को भी 2 से, 5 2 10 तो 7 2 14 इस तरीके से। यहाँ पे ये 3 दिए गए हैं। अब इससे बोला गया कि 2 2 आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने हैं, तो यहाँ पे देखिए सॉल्व करके गिवन है, नेक्स्ट देख सकते हैं। कन्वर्ट करना है 3/4 एंड 2/5 को लाइक फ्रैक्शन में। लाइक फ्रैक्शन देखिए दिया गया है, लाइक फ्रैक्शन में क्या करना होता है आपको, सेम टू सेम नंबर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना होता है, वो यहाँ पे किया गया है। देखिए यहाँ पे आपको सारे मैथ्स के सम सॉल्व करने आने चाहिए, डाइजेस्ट से आंसर लिख लेना वो ठीक है कंप्लीट करने के लिए, बट आपको सॉल्व करने आना चाहिए। अब इसे बनाना है आपको लाइक फ्रैक्शन में 3/4 5/8 कैसे करना है, तो देखो यहाँ 4 के टेबल में 2 आता है तो 4 2 8 हम ऐसे, इसका भी डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, मतलब 4 2 8 हो जाएगा। और ये 8 किससे डिवाइड होता है, हम 8 को डिवाइड कर सकते हैं 4 से, 4 2 8 इसके, इसको तो समझाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए जैसे हो गया ये आपका 3/4, तो हमने क्या किया अभी इसको सॉल्व करते हैं, तो 4 × 2 4 2 8 हो गया, नीचे किया तो ऊपर भी 2 से ही करना पड़ेगा तो 3 2 6 हो गया। लेकिन अब अगर बात आती है 5/8 की, तो 5/8 कैसे करेंगे, 8 के टेबल में तो हम इसी को ना, इस ये जो 4 2 8 है इसको ही हम क्या करेंगे, इसी को 8 बना देंगे। तो ये देखिए 3 2 6/8 हो गया और ये ऑलरेडी 5/8 था, तो ये दोनों क्या है लाइक फ्रैक्शन हो गए 3/4 एंड 5/8 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो ये इसके लिए हमने इसको चेंज किया, और चेंज करने का जो ये मेथड है वो ये है, और ये तो ऑलरेडी 5/8 है, इसका डिनोमिनेटर ऑलरेडी 8 है, तो हमने सिर्फ इसको चेंज किया। इसी तरह इसका भी चेंज करना है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ना तो 5 के टेबल में 7 आता है ना 7 टेबल में 5 आता है, दोनों को क्या करेंगे इस तरीके से मल्टीप्लाई, 5 7 35 कर देंगे दोनों का आपस में। अब दोनों को सेम लाना है तो कैसे करेंगे, 5 × 7 करेंगे, 5 × 7 35 हो गया, तो नीचे किया 7 से तो ऊपर भी करना पड़ेगा तो 3 7 21। अब 3/7 का लेते हैं, 3/7 के लिए क्या करेंगे 5 से करेंगे, 7 × 5 35 आया ना, इधर 35 आ गया, हो गया डिनोमिनेटर सेम दोनों का, और ऊपर 5 से भी फाइव करना है तो 3 5 15 इस तरीके से हो गया। इसको भी ऐसे ही करना है। क्वेश्चन आंसर काफ़ी ज़्यादा है इसमें, फटाफट देखते हैं, आप आंसर्स देख लीजिए, फिर भी आपको कोई नहीं समझ में आया तो बताइए, एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा। अब ये बहुत ही इजी है, एक साथ में सबको प्लस किया और सबका डिनोमिनेटर सेम है तो साथ में रख दिया, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं है इसमें। अब ये क्या करना है, 3/8 5/8 को ऐड करना है, ठीक है। तो आपने 3 + 5 8 कर दिया, अब ये भी कैंसिल हो सकता है, 8 8 1 8 8 1 8 आंसर आ गया 1, इतना करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 8 1 8 यहाँ पर 1 भी रख देंगे तो भी चल जाता है, वापस ये करने की ज़रूरत नहीं है। अभी ये प्लस करना है बहुत ही इजी है, इसमें कुछ भी हार्ड नहीं है,
तो यहाँ पे कुछ भी मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, जो एक्सप्लेन करना था वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। यहाँ पे सिर्फ प्लस ही करना है सबको, तो कुछ हार्ड नहीं है। यहाँ पे देखिए आपका ये भी सेम ही है, बस आपको यहाँ पे माइनस करना है, और डिनोमिनेटर सेम है तो सेम डिनोमिनेटर नीचे रख देना है। यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि कुछ एक्सप्लेन करने जैसा है, तो हम फटाफट आगे देखते जाते हैं सारे क्वेश्चन आंसर विदाउट वेस्टिंग आर टाइम। ऑलरेडी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आंसर हैं। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये 8 है और यहाँ पे 4 है, तो उसे हमें करना पड़ेगा, इसे भी 8 करना पड़ेगा। ईजी है, तो 4 2 8, तो उसी 2 से ऊपर भी कर देंगे, जैसे यहाँ पे एक किया हुआ है, कुछ भी हार्ड नहीं है। इसलिए ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दी हैं। अब यहाँ क्या होता है कि ना तो 7 के टेबल में 2 आएगा ना 2 के टेबल में 7, तो हम नहीं चेंज कर सकते। यहाँ पे तो हमने चेंज कर दिया, इस 8 था तो बस इसे ही 8 बनाना था, वो ईजी पड़ गया था। ये भी बहुत ईजी है, कैसे 7 2 14 कर दिया, जब ना ये बन सकता है ना ये बन सकता है, तो दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में इस तरीके से, जैसे यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे भी वही है कि ना 9 के टेबल में 5 आएगा ना 5 के टेबल में 9 आएगा, तो वही करेंगे, 9 5 45, तो देखिए वही आया 45। अब यहाँ किस अलग अलग मेथड से बताया गया, इतना मेथड जाने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली आपको हम तो डायरेक्टली आंसर ऐसे भी लिख देते थे कि ये हमने जस्ट इसको कॉपी किया। अगर ऐसे आपको दिखाना है तो दिखाओ, ठीक है, नहीं तो आप ऐसे भी दिखा सकते हो। हम इसे बहुत ही आसान तरीके से करते थे, इतना हम मेथड नहीं यूज़ करते थे, हम सीधा ये लिखते थे। हम ये कैसे लिखते थे, हम क्रॉस करते थे 9 3 27, तो यहाँ पे लिख दिया 27, ठीक है, 9 9 3 27 लिखते थे। जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल बता रही हूँ कि हम कैसे यूज़ करते थे जब हम पढ़ते थे, तो उसके बाद 5 3 15, एक साइड में 15 रख दिया, 9 5 45, नीचे हमने रख दिया 45, साइड में हमने दोनों को प्लस कर दिया। मैं आपको करके बताती हूँ, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे है आपका 3/9 प्लस 3/5, तो हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये ना इसके टेबल में आने वाला है ना ये इसके टेबल में, तो क्या करते थे, 9 3 जब ऐसे रहेगा, यानी कि जब दोनों सेम नहीं है, इक्वल नहीं है, एक जैसा नहीं है, क्या करेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसका इसका और सामने सामने का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 3 27, 3 5 15, उसके बाद क्या करते थे, 9 5 45, ओके, बस ये हो गया। उसके बाद फिर इन दोनों को ऐड कर दिया, फिर वो नीचे आ गया हमारा, ऐड करके ये 45 आ गया, और वो दोनों का ऐड यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, सम दोनों का यहाँ पे हो गया। तो यही सम आएगा आपका, जब आप काउंट करके देख सकते हैं 27 + 15 कितना होगा, 42 होगा, तो यहाँ पे आप लिख दोगे 42, और ये नीचे का तो नीचे आ जाएगा। यही आंसर यहाँ पे भी है, बस आपको थोड़ा सा ये यहाँ पे आपको मैथड दिखाया है, हम इतना मैथड में नहीं जाते थे, फटाफट क्रॉस किया और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में साथ साथ में किया, वो हो गया था। यही चीज़ सेम यहाँ माइनस में भी है, बस यहाँ पे आपको प्लस जो ज़्यादा है कम में को माइनस करना रहेगा, बस वहाँ पे प्लस कर देते हैं यहाँ पे माइनस कर देते हैं, सेम मेथड यहाँ पे भी फॉलो करेंगे। अब अगर मैं ये आपको समझाऊँ तो ये कैसे आया, तो देखिए 15 1 15 होता है, और वही 15 को फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी डिवाइड कर दिया, तो कितना आएगा, 15 के टेबल में 3 टाइम्स में आता है, 5 टाइम्स में, यानी 3 5 15, ओके, तो 3 5 15 यानी 5 पेंसिल्स, ऐसे आया ये। यहाँ पे भी वैसे ही 21 21, और 21 21, और फिर क्या करना है हमें, इसी को जो आया उसी को 3 से डिवाइड कर देना है, 7 बलून्स। ये सम भी आपका ऐसे ही है जैसा हमने यहाँ पे देखा। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे, काफ़ी यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं, ये सॉल्व कीजिए और अच्छे से कीजिए, सिर्फ ये डाइजेस्ट इसके लिए है कि आप समझ लीजिए, कि अगर आपको नहीं आ रहा है तो वहाँ से आप समझ सकते हैं, नेक्स्ट चैप्टर में चैप्टर नंबर 6।
ये आपकी हेल्प के लिए है, लेकिन आपको सम सॉल्व करने आना चाहिए। अगर जैसे जस्ट आप बुक्स कंप्लीट कर रहे हो तो वो कुछ हेल्पफुल नहीं होगा। ये किस तरीके से अगर आप सॉल्व कर रहे हो, आंसर्स मैच हो रहा है, देखिए मैच हो रहा है तो सही है, नहीं मैच हो रहा है तो समझ लीजिए कि रॉन्ग है आपका, और मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है अच्छे से। ओके, हर एक सम के अलग एक 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 सम्स मैंने सॉल्व करके बताया आपको। आई होप कि आपको समझा होगा। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स साथ शेयर कीजिए अपने, ताकि उन्हें भी हेल्प मिले।